में घुसकर दबंगों द्वारा एक परिवार के साथ बेहद ही ज्यादती की गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन आज तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। थाना भोगांव क्षेत्र चौकी रकरी गांव बिरसिंहपुर का है। यहां की रहने वाली पीड़िता महादेवी पत्नी राम निवास कुमार की अपने ही पड़ोस के रहने वाले देवदत्त पुत्र गिरधारी लाल से पुरानी रंजिश चल रही थी। बीती 16 फरवरी को देवदत्त पुत्र गिरधारी लाल राम किशोर लक्ष्मण सिंह राकेश ने इसी रंजिश के चलते महादेवी के घर में घुसकर गालियां देते हुए घर में रखे गेहूं के 7 बोरे, 1 सोने की अंगूठी तथा 22,000 रुपए लूट लिए और सभी लोग पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। जिसके बाद पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत थाना भोगांव पुलिस से की तो पुलिस ने महिला का प्रार्थना पत्र ले लिया और जाँच का आश्वासन देकर जाने दिया। घटना से आज 1 सप्ताह बीत गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपी दबंग अभी भी पीड़ित महिला को डरा और धमका रहे हैं। कैसे क्या वारदात हुई आपके साथ? देवदत्त और इनके पुत्र रामकिशोर लक्ष्मण और इनकी लड़की ने भी थी, और ये आकर के इन्होंने भैंसे मेरी खोली, मारा पीटा इनको भैंसों को, और ये लोग भाग गए। किस लिए मारा था? ये बांधने के लिए आए। किस लिए मारा था? ये क्या नाम जगह के पीछे, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से भाग गया। कहाँ भागते गए? थाने के लिए। थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पुलिस प्रशासन कुछ आया था? कोई पुलिस? वो बाद में आप आए, तब तक मेरे घर में लूट भी हो गई। क्या क्या ले गए लूट में? लूट में ले गए 6-7 बोरी गेहूं था जी, और क्या नाम भूसा था, और रुपए थे, और अंगूठी थी। कितने रुपए थे? करीबन 22,000 रुपए थे, और एक अंगूठी थी, वो इस कमरे में लगी हुई थी, झोले में रखी थी। मेरे पास कोई गेट एट तो है नहीं, अभी मकान बना है मेरा। तो क्या मामला है आपका यहाँ? मैं साहब यहाँ थे देवदत्त बलराम किशोर बल लक्ष्मण जी, उनकी 2 लड़की घर से सब हमारे घर में सामान धो रही थी। अच्छा, किस कारण धो रही थी? कुछ उत्पीड़न हुआ आपके साथ? उत्पीड़न साहब मैं जब आए यहाँ थे जी, तो यहाँ पर हमारी भैंसा खुले खा गई, उन्होंने भैंसा खुला उठाया। अच्छा, आपके साथ भी बर्दाश्त की है? अच्छा, तो गोली मार के कुछ चलाया नहीं, कुछ जान से मारने की धमकी दी जी। किसने दी? देवदत्त ने। देवदत्त ने। कल्पना है, कैसे क्या वारदात हुई आपके साथ? मेरी भैंसा खोल दी और मतलब मेरे सामने इन लोगों ने भूसा निकाला और गेहूं निकाले। किन लोगों ने? क्या नाम है? देवदत्त और उनकी लड़की 2। इसी गांव के हैं? यस, घर की हैं। अच्छा, इसी गांव के हैं। तो आपके घर में कोई लूट वगैरह हुई है? क्या क्या ले गए सामान? मेरे घर से गेहूं ले गए और मतलब भूसा ले गए, और रुपए थे, अंगूठी थी। अच्छा, और लकड़ी भी थी, और कंडे भी थे। अच्छा अच्छा, अनाज वगैरह सब ले गए? सब ले गए। पैसा कितना ले गए? 22,000, जो आपके घर में पर्याप्त था। यस, इनके जामा सब जोत दियो। क्या नाम है आपका? महादेवी। तो आपके यहाँ जो वारदात हुई है वो किस कलर हुई है, क्या हुआ है? वो देखा बिना हमारे उन्होंने कूप लगो जी, भाई भूसा तो 5 जी, 5 बिनों को बीघा जी, और देखो बिना 8 बोरी बा में धरी थी जी, और सुबह बोरी निकाल लें, अब भूसा निकाल लो सदेव, हुआ 2 बटिया आते भी 2 बटिया ढोए ले, लकड़ी अति चिरी गई बात दे, लकड़ी ढो ली। किसने धो ली है? कौन लोग थे? देवदत्त और राम किशोर लक्ष्मण और लड़की नहीं 2। कहाँ से ले गए? आपके घर से ले गए? वहीं तटा, और जा घर में घुस गया यार। हाँ, क्या क्या ले गए? जा घर में तटा घुस गए, 22,000 रुपया अंगूठी भाई में धरी थी, अंगूठी सोने की थी। हाँ, झोरा में। पैसे से वगैरह ले गए आपके? 22,000 रुपया बाई में धरे बयान आके थे। अच्छा अच्छा। हाँ, अब जो हो रहा है हमारे गए। तो आया, आपने पुलिस प्रशासन को कोई तहरीर वगैरह या कुछ सूचना दी है? पुलिस पुलिस हैंडेट गए, उन्होंने कोई हमारी सुनी है ना? सुनी नहीं है। हाँ। पुलिस ने क्या कह दिया? जा कह दी 13 दिवाए हैं भूसा और सामान सब दिवाए हैं, और हमारो कछु आज 5-6 दिन ये शनिचर की बात जी, और अब कोई चीज नहीं दिखाई दिवाई, अब मजा था हमारी भैंस आए 2 दूध देती थी 2।